वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं बहुत अजीब तरीके से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बट आई हैड टू स्टार्ट इट, सो आई वॉज जस्ट लाइक कर लेते हैं यही से। ये व्लॉग बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है, बट या आई एम एक्चुअली पैकिंग माई बैग बिकॉज आई एम गोइंग टू अदितिस प्लेस। आई एम गोना मीट हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत महीने हो गए, 2 महीने हो गए। सो या मैंने सोचा कि मैं व्लॉग करना स्टार्ट कर दूँ, एंड यहाँ पे छत पे एक आंटी है जो मुझे घूर रही है। एनीवे मैं एक्चुअली बहुत सारा सामान नहीं लेके जा रही हूँ, जस्ट गोना टेक अ फ्यू क्लोथ्स एंड देन माई मेकअप ब्रशेस। उसके पास लिटरली सारा सामान है जो मेरे पास यूजुअली होता है, लाइक मेकअप, स्किन केयर एंड इवन लाइक क्लोथ्स मैं उसका पहन लेती हूँ। सो आई एम जस्ट गोना टेक अ फ्यू थिंग्स टू वेयर। आई विल हैव टू वर्क देयर टू, बट या आई नो यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग व्हाई आई एम गोइंग देयर, बट आई रियली डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, इट्स अ पर्सनल रीजन एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। आई एम ओके, डोंट वरी, एंड मॉम इज ओके टू, सो डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट। इट्स जस्ट समथिंग दैट आई रियली कॉन्ट टॉक अबाउट। आई होप दैट यू गाइज विल रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी एंड या जस्ट यू नो गिव मी द स्पेस। ओके, सो अभी व्हाट आई एम गोना डू इज ऑयल माई हेयर बिकॉज आई एम प्लानिंग टू वॉश इट अदिति के घर पे। सो या आई एम जस्ट गोना ऑयल इट एंड tie a bun and then her dad is gonna come in another hour to pick me up, so I have some time to pack my bag, oil my hair. Okay, so this is my hair. I haven't washed it in like a week and मैं actually बहुत ओवर वॉश नहीं करती अपने हेयर को, एंड मैं ऑयल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का अनियन ऑयल। सो दिस इज़ अ अनियन ऑयल बॉटल, एंड आपने बस कैप हटा के कोम नेक को स्क्रू कर देना है। यू कैन सी हाउ आई डिड इट, एंड द ऑयल जस्ट कम्स आउट ऑफ द नॉजल, यू डोंट हैव टू डू मच एंड इट्स ईजी टू अप्लाई। दिस जस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स द ऑयल इवनली, एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाता है इससे। यू विल सी इसमें अनियन है, सनफ्लावर ऑयल, होहोबा, आमंड ऑयल, आमला ऑयल, बेसिकली अ लॉट ऑफ गुड ऑयल्स फॉर योर हेयर। ओके, सो आई एम गोना शो यू गाइस अ डेमो हाउ आई लाइक टू ऑयल माय हेयर। आई जस्ट लाइक टू कॉम्ब इट एंड दैट्स अबाउट इट। वो खुद ही ड्रिप हो जाता है, एंड देन आई जस्ट लाइक टू टेक माई फिंगर्स एंड मसाज द ऑयल। All right, I have oiled my hair and you guys can see मैं बहुत चंपू लग रही हूँ, but हाँ I am gonna leave it overnight। मैं कल अदिति के घर पे इसको वॉश कर दूंगी, एंड या आई लाइक टू थरली ऑयल माई स्कैल्प, एंड जो भी बच जाता है उसको मैं लेंथ में लगा लेती हूँ, अदरवाइज मेरा सर बहुत हैवी हो जाता है। यू गाइस सॉ कि विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम पुटिंग द ऑयल वॉज सुपर ईजी, एंड यू नो बहुत फास्ट हो जाता है, बार बार आपको लगाना नहीं पड़ता, एंड इट्स लेस मेसी एंड मोर इफेक्टिव। अगर आप अपने बालों को डेली बेसिस पर ऑयल करते हो, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द अनियन ऑयल विद दिस न्यू कॉम कॉम्बो। यू गाइस नो मामाअर्थ प्रोडक्ट्स डोंट हैव एनी हार्मफुल केमिकल्स इन देम, दे आर अ पीटा सर्टिफाइड क्रुएल्टी फ्री ब्रांड एंड ऑल्सो दे आर अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड। सो इफ यू वांट टू चेक इट आउट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो अनिंदता2020 ऑन mamaearth.in। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon एंड Nykaa, बट मेरा कोड सिर्फ mamaearth पे चलता है, अफिलियट कोड नहीं है, सिर्फ आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। मुझे अभी फोन आया कि Nykaa से पैकेज आया है, सो आई हैव माई डिसइनफेक्टेंट। बहुत टाइम बाद मैंने Nykaa से कुछ मंगवाया, सो आई एम सुपर एक्साइटेड, बट मैं इधर दिखाऊंगी नहीं, आई एम गोना डू अ हॉल। मैंने इतने एक्साइटमेंट से इसको सैनिटाइज किया, एंड देन आई ओपनड इट, एंड जो मैंने सबसे लीस्ट एक्साइटिंग चीज़ मंगवाई थी वही आ गई। अब मैं हॉल में ही दिखा दूँगी सब कुछ, बट या मेरा मेकअप एंड जो भी मैंने बाकी चीज़ें मंगवाई थी वो कुछ भी नहीं आया, सो दैट्स डिसअपॉइंटिंग। And I'm really excited to spend time with her. We are meeting after 2 months. Oh my god, last में birthday पे तो मिले थे। हाँ, but आज मेरी मम्मी केक बनाने वाली। Oh yeah, so of course क्वार्की के घर में daily कुछ ना कुछ बनता है। तो आज आंटी ने कहा कि वो केक बनाएंगी, इसको भी बहुत खाने का मन है, so I was just like I'll vlog, and because मैं इतने time बाद इससे मिल रही हूँ, so of course I had to vlog in quarantine, and I hope you guys enjoy. और कुछ बोलना है? Let's get it. Anyway, I washed my hair. This is my cute little pajama set. It's not a pajama set. This is from Zara. This is from H&M. But yeah, I really like this. And Simba. कल सिम्बा मुझे देख के कितना खुश हो गया। और फिर कल सिम्बा ने फाइनली खाना भी खाया अच्छे से, क्योंकि सिम्बा बहुत पतला हो गया, उसको बहुत डॉगो डिप्रेशन हो गया था। चलो केक बनाए केक।
कलर बताओ। येलो स्काई ऑरेंज स्काई ऑरेंज रेड रेड ब्लू ब्लू है येलो ब्राउन ब्राउन है ब्लू ब्लैक ब्लैक व्हाइट स्पेशल हैंडशेक तो कर रवि पोज कर दे तो अभी हम किचन में हैं। मैं किचन में तो बहुत यूजलेस हूँ टू बी ऑनेस्ट, मुझे केक वेक कुछ बनाना नहीं आता, बट अदिति ने सारा ब्लॉग कर रखा है रेसिपी वगैरह, सो वो आप देख लेना। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाऊंगी, आई जस्ट शो यू गाइज अ लिटिल बिट बिकॉज यहाँ पे तीन लोग नहीं रह सकते, टू मच हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स क्योंकि अदिति को किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद है, सो और वॉलनट भी, सो मम्मी को काजू कैन यू नॉट ने क्या बोला था तुम्हें? एक बार बोल दे उसको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा ना, पर तू तो बोल दे। जब अभी छोटा था ना तो वो जब हम चाइनीज नूडल्स वगैरह बनाते थे तो वो ऐसे बोलता था गोभी गाजर सीना मिर्च शिमला मिर्च सीना मिर्च। थोड़ी सी डाल देंगे, सारी डाल दी मैंने, वेरी गुड। थोड़ी सी डाली सारी डाल दी मैंने, आधी कटोरी में डाली, वेरी गुड। अगर रवि होता ना तो वनीला बोलता, वनीला नहीं बोलता वनीला। किचन के बाहर देखो एक बच्चा क्या कर रहा है। आप सॉल्ट डाल दो पहले। रेत या सॉल्ट चाहिए होती है पर सीटी नहीं मारनी होती ना। ना अंकिता ने भी तो वो बनाना ब्रेड बनाया था उसमें बा सिम्बा सिम्बू सिम्बोसिस सिम्बा आ जा नहीं सिम्बा डोंट इग्नोर यार सिम्बा हैज टू गो पी पी अदिति हैज वेरी बैड क्रैम्प्स सो सिम्बा इज जस्ट स्टेयरिंग एट हर स्माइल कैन यू स्माइल यो थम्स अप हाई फाइव ठीक है बूम एम रवि को मैकडॉनल्ड्स पसंद है इसलिए हमने क्ले से एम बनाया रवि अच्छा एम मुझे पता लगा मुझे लगा कि तू पूरा बर्गर बनाएगी अभी मैं इतनी स्किल्ड नहीं हूँ रवि क्या एम एम जाएगा क्या खाएगा बर्गर और
पर करना मुश्किल है यार, कैसे करता है? अभी तो इसके हाथ खराब हो गए हैं, दिखा हाथ कहाँ चोट लगाई। स्ट्रगलिंग ले लिया उसने, तो लायक नहीं है। रवि कह रहा है से ये भी नहीं हो रहा। केक बन गया। खुशबू पूरी किचन में से। द लाइट। Oh my God. It's a beauty. So, अभी मैं करूंगी डिनर एंड डिनर में काफी अच्छा खाना है। अदिति भी खाना खाएगी अभी। First you tell me what you're having. I'm having यहाँ पे कोफ्ते with parathi and roti and with my jam that I got from Pondicherry. And here is my food. There is an assortment of chutneys. तो ये खट्टा मीठा है, ये ग्रीन है एंड ये अचार है और ये स्पेशल कुआर की हाउस अचार है. दिस इज छोले एंड देन चावल. सो आई एम गोना ईट इट. आई माइट ईट अ पराठा टू. आई एम फीलिंग रियली हंग्री एंड हियर वी हैव फ्रेंड्स, सो दैट्स आवर प्लान. केक बन गया है, आंटी ने बनाया है, पर आंटी व्लॉग में भी आना नहीं चाहती क्योंकि अभी उन्होंने बहुत सारा काम किया है. सो शी हैज़ आस्क्ड मी टू कट द केक, तो आई विल डू द ऑनर्स. बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, ऑल्दो मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया. ओ माई गॉड, आई एट अ लॉट टुडे. सो पहले तू खा, तूने कभी नहीं खाया इसलिए पहले तू. मुझे ना मॉइस्ट केक्स बहुत अच्छे लगते हैं. सिम्बा कैसे देख रहा है भूखों की तरह. सिम्बा तू नहीं खाता, अब मीठा ज्यादा नहीं है, नॉर्मल मीठा है. गुड्डू जी पेस्ट्री बहुत अच्छा बना है ना. वेरी वेरी क्यूट. वो भी ठीक कर दिया था ना, वो थोड़ा सा खुला रह जाए. किम कार्डशियन बनी हुई है. स्टारबक्स खुल गया, सो हम ड्राइव थ्रू में स्टारबक्स में टेक अवे करेंगे उनकी कॉफीज. वी आर बोथ स्नैच्ड, वी लुक अमेजिंग. कैरेमल फ्रैपुचिनो, आई लव दिस सो मच. एंड मेरा क्रोजॉ भी है बिकॉज मैंने बहुत टाइम से क्रोजॉ नहीं खाया. कैसा लगा? बहुत अच्छा है. मैं भूल गई थी इसका टेस्ट कैसा होता है. गुड मॉर्निंग.
आई एम स्टिल हियर, आई एम गोना लीव टुमारो एंड या मैं जस्ट उठी हूँ, पीछे आ रही थी, फोटो ले रही है अपने ब्रेक की। हम दोनों बहुत लेट उठे क्योंकि हम दोनों कल 4 बजे तक एडिट कर रहे थे। आई जस्ट वोक अप, शी वोक अप एट 11, बट वी आर गोना हैव ब्रेक की एंड मैं भी दिखाने वाली थी पर तूने सस्पेंस एंड या वी आर जस्ट गोना हैव अ चिल डे टुडे एंड आई डोंट नो इफ आई एम गोना व्लॉग अ लॉट, बट आई थॉट कि जो भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ मैं वो भी इंक्लूड ही कर देती हूँ अपने ये वेकेशन व्लॉग में। यस एग्जैक्टली। बाय द वे हाउ क्यूट इज दिस टी शर्ट, इट्स एज ट्रबल एंड ये मुझे अदिति ने दिया है, ये उसको थोड़ा टाइट था तो शी सेड दैट यू टेक इट एंड इट्स लाइक द परफेक्ट ओवर साइज टी शर्ट फॉर मी। पोहा एंड चटनी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आंटी ने घर पे बनाई है एंड कॉफी एंड देन सेम फॉर क्वार्की मिसिंग द माइनस द ग्रीन चटनी। तू ग्रीन चटनी नहीं खाती? मैं बेसन की चीज़ों के साथ ज़्यादा खाती हूँ, पोहा के साथ मुझे सॉस पसंद। बहुत नखरे हैं तुम्हारे स्पेसिफिक। ओके, ओह माय गॉड, माय हेयर लुक्स लाइक अ डिजास्टर। एनीवे, सो एज यू गाइस नो, दिस वन राइट हियर नोज हाउ टू डू फोटोशॉप एंड ऑल ऑफ दैट। सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि मुझे ना अपने वीडियो में व्हेनेवर आई से कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दैट, सो वो एक पॉपअप आ जाए जिसमें यू कैन सी माई सोशल मीडिया हैंडल्स। सो शी सो स्वीट, शी इज़ मेकिंग इट फॉर मी ए बिकॉज शी नोज हाउ टू मेक इट एंड शी सेड इट्स सुपर इजी टू डू, सो आई जस्ट शो यू गाइज वॉट एंड हाउ शी इज़ डूइंग इट। ये है फोटोशॉप ना? दिस इज अडोब फोटोशॉप। इस पे हम ना आस्क कर पहले कि कौन सा फॉन्ट सिलेक्ट करना है। मैंने 2 PNG इमेजेस गूगल से उठा ली हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर की, बिकॉज यहीं पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। सो इसके बाद बस हम कलर और टेक्स्ट सिलेक्ट करने वाले हैं। आई हैव अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट राइट हियर, तो कौन से टेक्स्ट पे ऐसे फॉन्ट बेटर लग रहा है ना, पीछे यहाँ पे दिखाता रहता है वो, टेक्स्ट चेंज होता रहता है, वही बस सिलेक्ट करेंगे हम। 5 मिनट का काम है, सो यू विल सी इट इसी व्लॉग से, या मैं इसी में डाल दूंगी। कौन सी आइसक्रीम है ये? तब ले ली, रवि बोलता है व्लॉगसेप्शन बोलता है। आंटी और अंकल बिंज वॉच कर रहे हैं क्राइम पेट्रोल एंड दे आर रियली इनटू इट, सो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आई विल सी यू गाइस लेटर।